ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ ರಾಣಿ ಅಬಕ್ಕ ರಾಣಿ ಅಬಕ್ಕ ಜೈಸಿ ವಿರಂಗನಾವನೆ ಈ ದಿಖಾಯಾ ಕಿ ಹಮಾರಿ ಬೇಟಿಯೋ ಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆ ಕುಶಾಸನ ನೆ ಹಮಾರಿ ಮಾತಾಓ ಬಹನೋ ಕೋ ಸಿರ್ಫ್ ಔರ್ ಸಿರ್ಫ್ अभाव में जीने के लिए मजबूर कर दिया, अभाव ही दिया। कांग्रेस हर समस्या को बनाए रखना चाहती थी ताकि गरीब उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहे। टॉयलेट के अभाव में महिलाओं का स्वास्थ्य भी खराब होता था और सम्मान को भी चोट पहुंचती थी। बेटियों की शिक्षा की बात हो तो स्कूलों में अलग शौचालयों का अभाव था, बेटियों को स्कूल छोड़ना पड़ता था इसलिए शिक्षा का अभाव था, यहां शुद्ध पेयजल का अभाव था क्योंकि कांग्रेस ने हर घर जल पहुंचाने पर जोर नहीं दिया। बहनों को धुएं में खाना बनाना पड़ता था क्योंकि कांग्रेस ने गैस कनेक्शन का अभाव रखा। अब बीजेपी सरकार इन सारे अभावों को दूर कर गरीब की समस्याओं का स्थायी समाधान कर रही है। स्नेहितरे, बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने मूल जरूरतों से आगे बढ़कर महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं लागू की है। पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा देश के 11 करोड़ किसानों को मिला है तो उसमें 3 करोड़ महिला किसान है। मुद्रा योजना के तहत जो 3 करोड़ ऋण कर्नाटका में मिले हैं उनमें से अधिकतर महिलाओं को मिले हैं। गरीबों को मिले करोड़ों घरों की भी ज्यादातर लाभार्थी हमारी माताएं बहने ही है और इनमें से जो गरीबों के लिए हम घर बना रहे हैं और घर की कीमत आज लाखों रुपयों में होती है, इसका मतलब जिसको घर मिल जाता है ना वो लखपति बन जाता है। और हम घर माताओं बहनों के नाम पर देते हैं और इसलिए आज देश में हमारी लाखों माताएं बहनें लखपति दीदी के नाम से जानी जाने लगी हैं, लखपति दीदी बन गई। कल तक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली मां बहन आज जब लखपति दीदी बन जाती है तो मेरा देश आगे बढ़ना पक्का हो जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा आज चारों तरफ G20 की धूम मची हुई है, बच्चा बच्चा G20 बोलने लगा है। G20 तो कई वर्षों से चल रहा है लेकिन दुनिया को भी पहली बार पता चला कि G20 क्या होता है, वो हिंदुस्तान के हर राज्य ने दिखा दिया है। छोटे छोटे शहरों में G20 की समिट हो रही है और आपको खुशी होगी G20 का एक मुख्य एजेंडा क्या है, विमेन लेड डेवलपमेंट। सिर्फ वुमेन डेवलपमेंट नहीं, विमेन लेड डेवलपमेंट। माताओं बहनों की शक्ति को हम कितना महात्म्य देते हैं यह G20 समिट में भी गूंज रहा है। दोस्तों,